आप सभी को दिवाली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेयर वास्तु आप सभी को आपके प्यार, आपके स्नेह, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद करता है और आशा करता है कि ये दिवाली का जो पर्व है, सेलिब्रेशन है, आप सबके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरस रहे। लेयर वास्तु आज फिर से आप सभी के सामने बहुत सिंपल रेमेडी लेकर आया है ताकि आपकी दिवाली और भी फ्लरिश और प्रॉस्पेरस हो। आशा करती हूँ आप सभी ने लेयर वास्तु चैनल पर धनतेरस की वीडियो अब तक जरूर देख ली होगी। इन केस आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर जाके देखिए, बहुत ही सिंपल टिप्स आपकी दिवाली को और भी अधिक सुंदर बनाने के लिए शेयर किए गए हैं। क्योंकि ये दिवाली का जो पर्व है धनतेरस के बाद आता है, इसलिए धनतेरस में आपने जो रिचुअल्स करे हैं वो कंटिन्यू रखने हैं आपने दिवाली तक, है ना। हमने उसमें आपको एक विश लिस्ट रखवाई थी, बड़ी सारी रेमेडीज़ जो आपको बताई हैं उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और अपनी दिवाली को और ज़्यादा प्यारा, सुंदर कैसे बना सकते हैं वो चेक करते हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, आप सभी का भी होगा, और हो भी क्यों ना, ये पर्व ही ऐसा है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या के लोगों का उनके प्रति जो प्यार था उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये दिवाली जो दियों के रूप में मनाई थी, इतने सारे घी के दिए जलाए थे, वहीं से परंपरा शुरू हो गई है। तो हम भी कोशिश करते हैं इस दिवाली पर, क्योंकि ये एक कम्युनिटी फेस्टिवल है, अपने साथ साथ अपने यहाँ जो हेल्पर्स हैं, जो मेट्स हैं, जो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए भी ये दिवाली कैसे अच्छी बन पाए उसके लिए आप जो भी उनके साथ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अभी दिवाली का जो पर्व है ना, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का पर्व है, और माँ लक्ष्मी है ही ऐसी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आपने क्या करना है दिवाली के दिन, क्योंकि हम साफ़ सफाई तो सब पहले ही कर चुके हैं, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर चुके हैं, जैसे कि हमने धनतेरस की वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है। देखिए, दिवाली की सुबह आपने सबसे पहले क्या करना है, दोबारा से घर में जो रखी हुई आपकी घंटी है जो पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं, पूरे घर में उसको बजाना है, पूरे घर में फिर से एक पॉजिटिव वाइब्स को और ज़्यादा एनहेंस करना है। अगर शंखनाद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप अपने एंट्रेंस पर जाइए, अपने हाथों से एक स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बड़ा विजिबल और क्लियर होना चाहिए। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है, अपनी सांस को अंदर खींचनी है और सांस को रोकते हुए ही वो स्वास्तिक बनाइए। इसे हम बोलते हैं सगुण का स्वास्तिक। सगुण में बनाई हुई कोई भी जो चीज़ या जो काम होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। स्वास्तिक जो है वो किसी भी जगह की एनर्जी को 108 times मिनिमम बता रही हूँ मैं, ये आपको एनहेंस कर देता है। तो बेस्ट टाइम है अपने घर के एनवायरमेंट कुछ ज़्यादा पॉजिटिव करने का। एक सुंदर सा स्वास्तिक अपने एंट्रेंस पे अपने हाथों से बनाइए। और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गाय का शुद्ध देसी घी जो है वो कुमकुम में मिलाकर उसे अपने इस उंगली से अपने स्वास्तिक बनाना है। अब हम बात करते हैं और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में आपने कमल का फूल जरूर रखना है। सुबह से ही आपने अपने घर में श्रीम का मंत्र जो है, जो लक्ष्मी जी का अत्यंत प्रिय माना जाता है, वो या तो आप खुद उच्चारण करिए उसका, और नहीं तो पीछे बैकग्राउंड में एक आप ऑडियो इसका चला दीजिए, ताकि पूरे टाइम आपके घर में श्रीम के मंत्र का उच्चारण होता रहे। लक्ष्मी जी की आरती हम पूजा के समय करेंगे ही। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सुबह अर्ली उठकर नहा धोकर आप कमल गट्टे की माला लीजिए, कम से कम उसके 108 बार श्रीम के जाप कीजिए। इससे आप खुद भी इतना पॉजिटिव फील करेंगे, साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। अक्सर हम मानते हैं माँ लक्ष्मी का जो पर्व है वो धन की देवी का है, लेकिन साथ साथ इस दिन हम सरस्वती जी के भी आगमन की प्रार्थना करते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी बुक्स भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे तो धनतेरस के दिन रख सकते हैं या दिवाली के दिन रख सकते हैं। कोशिश कीजिए पूरा परिवार इस सेलिब्रेशन में शामिल हो। इन केस अगर किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से उनका हाथ जो है
दिवाली वाले दिन बनने वाले सामग्री में प्रसाद में उनसे लगवा के रख लीजिए, या कुछ ऐसा अमाउंट जो आप दिवाली पर लोगों को देना चाहते हैं उनसे लेकर पूजा स्थल में रख लीजिए। आप देखेंगे कि जब आप इस फेस्टिवल को एज अ कम्युनिटी फेस्टिवल मनाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, तो ये आपके लिए तो अच्छा होता ही होता है। आपकी रिद्धि सिद्धि दाता जो गणेश जी हैं वो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है और जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। आशा करती हूँ सिंपल सिंपल टिप्स, क्योंकि देखिए हर साल आप दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं इसलिए रिचुअल्स शेयर करना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ये सगुन में बनाया हुआ स्वास्तिक, कमलगट्टे की माला, श्रीम का उच्चारण, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये दिवाली आपके लिए कितनी सुंदर बन जाती है। धनतेरस के दिन हमने आपसे एक रेमेडी करवाई थी कि आपने अपनी एक विश लिस्ट धनतेरस के दिन वहाँ रखनी है और दिवाली के दिन उस विश लिस्ट को आपने उठाना है, उठाकर अपने पर्स में रखना है और ये फील करना है, ये मैनिफेस्ट करना है कि वो विश आपके लिए पूरी हो रही है। देखिए किस तरह से आपकी माँ लक्ष्मी सारे विशेष पूरा कर देती हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। लेयर्ड वास्तु ऐसे सिंपल टिप्स लाता है जो आप सब इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।